चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सो लेट्स कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो बच्चों, कल हमने आइसोमेरिज्म के टॉपिक स्टार्ट किए थे। जैसे आप सभी को पता है कि आइसोमर्स यानी कि ऐसे कंपाउंड, सबसे पहले आप अपने कैमरे ऑन कर लो। चलो घर मोरो, फटाफट अपने कैमरे ऑन कर लो। वेरी गुड, शाबाश। सो आइसोमर्स यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, इनको हम आइसोमर्स कहते हैं। दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो देखो, सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि आपको आइसोमेरिज्म का एक चार्ट बना के देता हूँ। ये चार्ट आपको सिर्फ बना के दे रहा हूँ, ये 18 में से आगे मैं इस टॉपिक को आगे पढ़ाऊंगा और हम उसके अंदर का जो बेसिक पोर्शन है कि मैंने कल आपको बताया था कि एल्केन, अल्कीन और अल्किल ग्रुप, हमने आपको ये चार अलग अलग नाम बताए थे। दीदी की उनको शुरू हो गया उसका। चलो ठीक है, अरे वापस कैमरे ऑफ हो गए भाई सबके। अभी सबके भेजे नहीं गए। तो बच्चों, आइसोमर्स हमने, मैंने कल आपको जो असाइनमेंट दिया था, बहुत सारे बच्चों ने उसके मुझे आंसर भेजे। अब वो नाम व्हाट्सएप के अंदर है। अच्छा लगा मुझे कि बच्चे अपने तरीके से जबरदस्त वर्क कर रहे हैं। मैंने कल ब्यूटेन, पेंटेन और ब्यूटीन, प्रोपिल और ब्यूटिल, है ना, ये चार चीजें बताया था। और आपको इनके हमने क्या पूछे थे, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स ये समझने से पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उमर फारूक चार्ट एवरीवन नहीं कर सकते। हम आपकी चार्ट एवरीवन 18 में से करेंगे। जब आपकी बैच कंफर्म हो जाएंगे उन बच्चों के लिए चार्ट एवरीवन करेंगे। अभी ये बैच कॉमन टू ऑल है इसलिए चार्ट एवरीवन नहीं कर रहे, ठीक है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, उससे ज्यादा जरूरी है चार्ट एवरीवन से अपना ये टॉपिक आगे शुरू होना चाहिए। तो बच्चों, ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट। देखो, मैं आप सभी को आइसोमेरिज्म का एक चार्ट बना के दे रहा हूं। ये चार्ट आपको सिर्फ लर्न करना है, इसमें आपको टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म समझ में आ जाएंगे, ठीक है, आइसोमेरिज्म का चार्ट। चलो, तो आइसोमर्स कल हमने देखे थे कि आइसोमर्स किसे कहते हैं। तो कल ये पॉइंट तो हमने क्लियर करे थे कि आइसोमर किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, इनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स, ठीक है। तो आइसोमर्स जो है द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो हो वो डिफरेंट हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो उनको आइसोमर्स हम कहते हैं। समझ में आया कि आइसोमर्स की डेफिनेशन होगी। कल बताया था मैंने कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म जो है वो दो टाइप का आइसोमेरिज्म बच्चों। पहला आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, यहाँ पे ध्यान में रखना आई फॉर आइसोमेरिज्म। और दूसरा आइसोमेरिज्म है स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो अलग अलग टाइप है। मैं जस्ट आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूं, अभी डिटेल में इसमें से मैं नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ चार्ट बना के दे रहा हूँ आइसोमेरिज्म के टाइप्स। जैसे आपको याद होगा तो हमने लास्ट टाइम में हाइड्रोकार्बन के टाइप्स देखे थे। अरे याद है कि नहीं, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स, ओके। तो हाइड्रोकार्बन के जो हमने टाइप देखे थे उसी तरह से हम देख रहे हैं आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पांच टाइप है बच्चों। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजिशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है
फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सब में आय लगाते चलना है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये देखो दो खूबसूरत नाम आ रहे, दैट इज मेटामेरिज्म एंड द नेक्स्ट वन इज टॉटोमेरिज्म। मेटा एंड टॉटो, टॉटो एंड मेटा, समझ आ गया बेटा? ठीक है, तो ये टॉटो मेटा, मेटा टॉटो नाम ध्यान में रखना है। ओके, तो टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, ठीक है। ये जो हमारे ग्रुप्स है, ये पांच हमने टाइप देख लिए, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, ये पांच टाइप है। समझ में आया? चलो ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। चेन और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर दो टाइप है बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर दो टाइप है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, समझ में आ रहा है? ये हमने अभी देखे देखे टाइप्स। सो आई होप सो कि आपको टाइप्स एटलीस्ट समझ में आ गए होंगे करके। देखो टाइप्स के नाम आपका इतने ही काम है कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप के नाम भी याद कर लियो तो बहुत है आप जैसे गरीबों के लिए आज के दिन। तो आपको सिर्फ नाम ही याद करना है अभी, समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, जरा बोर्ड पे देख के पढ़ना मेरे साथ साथ। आइसोमेरिज्म इज मेनली क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, नंबर वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सर क्या फर्क है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में? बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है ना, ये थ्री डायमेंशनल आइसोमेरिज्म होता है, ये स्पेस पे का होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना? और ये बहुत ही खास है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, है कि? और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ये जस्ट स्ट्रक्चर में थोड़ी छेड़छाड़ होती है ना, कभी कभी कार्बन की चेन ब्रांच अनब्रांच होना, कभी फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन बदलना, कभी कभी फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाना, यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कार्बन की चेन में अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, यानी एक ब्रांच और एक अनब्रांच करते हैं तो चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलते हैं तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप ही बदल देते हैं तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सर ये मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म क्या है? कन्फॉर्मेशनल और कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो उसी के अंदर आते हैं। हाँ, एक और पॉइंट, चलो मुमताज शेख ने अच्छा पॉइंट बताया भाई कि कन्फॉर्मेशनल और कन्फिगरेशनल। बेसिकली मैंने आपको ये जो बताया कन्फिगरेशनल बताया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कन्फॉर्मेशनल और कन्फिगरेशनल करके दो पार्ट थे। कन्फॉर्मेशनल एक अलग से टाइप है, चलो ये कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म, सही है, कॉन्फिगुरेशनल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल CONFORMATIONAL, कन्फॉर्मेशन, ये दो है। कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म के दो टाइप है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है ये ज्यादातर अल्केन अल्कीन उसमें होता है। कन्फॉर्मेशनल कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बहुत डिटेल में आपके 11 के चैप्टर के अंदर है, हाइड्रोकार्बन के अंदर, जो हम इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, इथेन इथिलीन ग्लाइकोल का, देन ये जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है इनका, उन सब कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखा, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, सो ये जो मुमताज ने बिल्कुल सही पॉइंट बताया मुमताज शेख ने कि कन्फॉर्मेशनल कन्फिगरेशनल, में जानबूझ के सिर्फ नाम ही बताना चाह रहा था। कन्फॉर्मेशनल के दो टाइप है,
ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशनल की, और कन्फॉर्मेशनल के टाइप्स ने उसके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल्स है। तो एक बात बताओ, आइसोमेरिज्म मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कौन से दो टाइप है भाई? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगेन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप, दैट इज चेन, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, ये अलग अलग आइसोमेरिज्म, समझ में आ रहा है? उसके बाद में स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज कन्फिग्रेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। तो जो कन्फिग्रेशनल है उसके अंदर और दो टाइप है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जो कन्फॉर्मेशनल है, कन्फॉर्मेशनल के बारे में सिर्फ एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जस्ट इमेजिन करो अल्केन, अल्केन का एग्जाम्पल लेंगे इथेन, इथेन का फॉर्मूला है C2H6, तो उसको लिखते हैं हम CH3 बॉन्ड CH3। मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था हाइड्रोकार्बन में कि CH3 बॉन्ड CH3 यानी कि C2H6 यानी कि अल्केन। तो अगर हमने इथेन लिए तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ट्विस्ट करेंगे तो इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन एटम है। मैं यह थोड़ा सा समझा के देता हूं, ये कार्बन है उसके पास तीन हाइड्रोजन है, ये कार्बन है उसके पास तीन हाइड्रोजन है। तो एक कठिन प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये जो कंपाउंड मैंने बताया इसमें कार्बन कितने और हाइड्रोजन कितने है? कार्बन दो हाइड्रोजन छह, शाबाश, वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चों ने कठिन प्रश्न उत्तर दे दिए, कार्बन दो है और हाइड्रोजन छह। तो ये बेसिकली क्या है? ये इथेन हो गया, दिस इज इथेन C2H6। अरे पता है कि नहीं इथेन के बारे में? इथेन हो गया। तो इथेन में एक बात बताओ, ये जो मैं बॉन्ड रेड इससे दिखा रहा हूं, ये वाले बॉन्ड को, ये बॉन्ड को, ये बॉन्ड को सपोज जस्ट इमेजिन करो ये वो बॉन्ड है। तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये खरमुरे के पास तीन हाइड्रोजन है, और ये फुटाने के पास भी तीन हाइड्रोजन है ना, ये दोनों कार्बन है। अब हम ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ट्विस्ट करेंगे, तो जैसा ट्विस्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है उनकी पोजिशन बदलते जाएंगे। मतलब ये एक कार्बन और दूसरा कार्बन, एक कार्बन फिक्स रहेगा और दूसरे कार्बन को घुमाएंगे, तो जब दूसरे कार्बन को घुमाएंगे, एक कार्बन फिक्स है, चलो ये पहले वाला फिक्स हो गया, तो इसको घुमाएंगे, ये बॉन्ड को अपन ट्विस्ट करेंगे तो ये कार्बन के हाइड्रोजन की पोजीशन बदलते जाएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, घर में आपने फैन रहता, सीलिंग फैन, फैन देखे कभी? वेरी गुड, शाबाश। तो जो फैन होता है उसके जो तीन ब्लेड होते हैं, हम जब उसको घुमाते तो ब्लेड की पोजीशन बदलते जाती, तो उसी तरीके से ये तीन हाइड्रोजन की पोजीशन बदलते जाएंगे। तो कभी ऐसा होगा कि वो तीन हाइड्रोजन जो है ये तीन हाइड्रोजन के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, जैसे ग्रहण के अंदर होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के अंदर होता है, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से कवर कर लेता है, तो इसको इक्लिप्स कहते हैं, बिकॉज इक्लिप्स को ग्रहण कहते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। और अगर एक बार ऐसा होता है कि तीन हाइड्रोजन और ये तीन एटम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसको स्टैगर्ड कहते हैं, कैरम में होता है ना स्टैगर, वो कैरम में अपन जैसे स्टैगर मारते तो सब वो जो कैरम के जो गोटियां सब फैल जाती है कि नहीं, बिल्कुल पसर जाती, तो अगर पूरा पसर जाता है तो उसको स्टैगर्ड कहते हैं, और एक दूसरे को कवर करता है तो इक्लिप्स कहते हैं। ये होता है कन्फॉर्मेशनल के अंदर। वैसे टेंशन मत लो, उसके अंदर भी और अलग अलग पॉइंट है, मतलब फुल्ली स्टैगर्ड से पार्शियली स्टैगर्ड, फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स, ये डिफरेंट डिफरेंट के उसके अंदर टाइप बनते जाएंगे। मैं अभी एक सिंपल पॉइंट समझा के देता हूँ कि सर कार्बन को ट्विस्ट करने की जरूरत क्या है, कशिश है। कार्बन को ट्विस्ट इसलिए करना पड़ता है कि उसके डिफरेंट आइसोमर्स वहां से जनरेट करना हो, तो ये एक सेपरेट जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जिसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ट्विस्ट करके अलग अलग फॉर्म्स जनरेट किए जाते हैं, उसको कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। समझ में आया? हाँ, दिख गया मेरे को, उनको वीडियो ऑन करने लगा। अरे समझ में आया? चलो ठीक है। तो कन्फॉर्मेशनल, मैं ये बहुत डिटेल में आपको 11 के अंदर पढ़ाऊंगा, वो कम से कम 2 घंटे का एक इसी टॉपिक को समझने में कम से कम 2 आवर्स लगते हैं, एंड वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं कंसेप्चुअल उसके अंदर। जो कशिश शेख ने जो क्वेश्चन पूछी, सर कार्बन कार्बन ट्विस्ट करने की क्या जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन साइंस के अंदर सूट नहीं करते, जरूरत तो किसी की कुछ नहीं है, फिर बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं है, लोग फिर भी क्यों बाहर निकलते? बोले कोरोना कोरोना कबड्डी कबड्डी खेलते, बोले बाहर निकल के लोग, बोले तो ये जो वो अगर ट्विस्ट नहीं होगा
तो नए फॉर्म कहाँ से बनेंगे? नए फॉर्म नहीं बनेंगे तो आपको नए क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे? तो ये चीजें ट्विस्ट हम नहीं करते, ट्विस्ट होते रहते हैं, और होने के बाद जो होता है उसको कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। बड़ी आस कि व्हाट इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो आप बोल सकते हैं द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट फॉर्म्स आर ऑब्टेंड ड्यू टू द कार्बन कार्बन, ड्यू टू द ट्विस्टिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। वो जो डिफरेंट फॉर्म बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर चार टाइप होते हैं, फुल्ली स्टैगर्ड, पार्शियली स्टैगर्ड, फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स, ठीक है? तो वो हम कभी फिर देखेंगे, अभी आपके लेवल से बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे वो। अभी आप आ जाओ मेन पॉइंट के ऊपर। अब एक बात बताओ कि व्हाट यू नो अबाउट आइसोमेरिज्म? तो भाई आइसोमर्स यानी एक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, are called as isomers of each other. तो ये जो जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, टू टाइप्स आर रेडी, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल अगेन क्लासिफाइड इनटू फाइव टाइप्स, चेन, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। और एक बात ध्यान में रखना, मैं एक एक टाइप के आइसोमेरिज्म की पहले थ्योरी समझाऊंगा, उस पर दो दो तीन तीन एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा चेन कैसे होता है, पोजिशन कैसे होता है, फंक्शनल कैसे होता है, फिर मेटामेरिज्म में क्या भानगढ़ है, तो ऑटोमेरिज्म ये क्या भानगढ़ है, ये सब चीजें हम देखेंगे इसके बाद में। समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये होने के बाद, अब अगला जो अगला स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसके भी दो टाइप है, कन्फिग्रेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर जो है वो दो टाइप है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? और कन्फॉर्मेशनल के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ डिटेल में बताया कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ट्विस्ट करने के बाद, जस्ट इमेजिन करो ये कार्बन है, इसके तीन हाइड्रोजन है, ये दूसरा कार्बन है, ये इसके तीन हाइड्रोजन है, तीन तीन हाइड्रोजन है, और इनके बीच में ये बॉन्ड है, ये चलो बॉन्ड भी बना के देखो, ये बॉन्ड है। जब इस बॉन्ड को ट्विस्ट करेंगे, ये कार्बन के तीन हाइड्रोजन ऐसे ही रहेंगे राइट वाले के, और इसके चेंज होते जाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे। अरे समझ में आ रहा है? तो एक बार ऐसा होगा कि ये इसके तीन हाइड्रोजन और इसके तीन हाइड्रोजन जो है वो पूरी तरह से एक दूसरे को इक्लिप्स हो जाएंगे, उसको इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। एक बार ऐसा होगा कि ये अपोजिट हो जाएंगे, ये तीन ऊपर तीन नीचे, ये पूरे फैले हुए, दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म। भैया एमन फातिमा का कहना है कि आप बार बार कहाँ जाते हैं? मैं बार बार घर पे जाता हूँ, घर से आके वापस आता हूँ। समझ में आया एमन? मतलब कुछ भी इरिलीवेंट क्वेश्चन पूछते बच्चे, आपके साइड में कंप्यूटर पे हम देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कितने बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्निकल सर होते हैं, ठीक है? ये एमन फातिमा सही में 10th पास स्टूडेंट है ना भाई, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जनरली बहुत छोटे छोटे बच्चे पूछते। समझ में आ रहा है? तो जरा क्वेश्चन रिलीवेंट पूछो यार, सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब अपना अगला पॉइंट जो है कि हम अब देखेंगे, ये मैंने चार्ट आपको समझा के दिया, तो आप सबको मेरा एक असाइनमेंट ये है, ये चार्ट घर से 10 बार ड्रॉ करना है। ये सारे असाइनमेंट्स आप जब ऑफलाइन क्लास करने के लिए आएंगे तब आपको साथ में लेकर आना है। अरे समझ में आया कि खरमुरु? जब ऑफलाइन क्लास करने आएंगे ये चार्ट साथ में लगेगा। ये बहुत ही बढ़िया मतलब आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, हर बच्चे को टॉपिक प्रिपेयर करने। चलो मैं अब आपको हमारे रेगुलर पॉइंट पर आता हूँ। 18 मई से जब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं ये सारा चार्ट आपको समझा के दूंगा कि चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ऑप्टिकल। अब देखो इसके अंदर ऑप्टिकल के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, मैं लगे तो थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि ऑप्टिकल के अंदर दो पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो पार्ट है, डेक्स्ट्रोफॉर्म और लियो फॉर्म, और ज्योमेट्रिकल के अंदर दो पार्ट है, सीज फॉर्म
और ट्रांसफॉर्म, इसके बेसिकली दो पार्ट है, अभी यही दिख रही है बस, ठीक है। अरे समझ में आया क्या अंशरा? हाँ चलो ठीक है, तो ठीक है भी। तो भाई ये जो डेक्स्टो और लियो है और सीज और ट्रांसफॉर्म, तो ये पूरा कंप्लीट जस्ट हमने चार्ट बनाया, समझे कुछ नहीं अभी, ये सिर्फ इस फिल्म का ट्रेलर भी नहीं था, टीजर था, फिर ट्रेलर और फिर पूरी फिल्म लॉन्च करेंगे अपन, ओके। तो अभी जो है एक काम करो, समझ में आया फिर ये? चलो ओके, तो अभी जो अपना अगला टॉपिक है ये आइसोमेरिज्म का, ठीक है ठीक है। तो आइसोमेरिज्म जो है हमने इस तरह से कंप्लीट करे अभी चार्ट, ओके। सो अब अपना अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना ये है कि कल मैंने आपको जो ब्यूटेन, पेंटेन, ब्यूटीन, प्रोपिल, ब्यूटिल इनके बारे में बताया था, आज हम उनके नाम और उनके स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ओके। तो चलो बच्चों अपने अगले टॉपिक पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने देखने जा रहे हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चार्ट हम आप 18 में से पढ़ेंगे, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अल्केन सीरीज में, ये अल्केन खानदान है, इस खानदान के ये दो खरमूरे है, एक है ब्यूटेन जिसका फार्मूला C4H10 है, इसके दो आइसोमर है, दैट इज एन ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन, एन ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन। इसी तरह से दूसरा जो एक और खरमूरा है पेंटेन, जिसका फार्मूला है C5H12, इसके तीन आइसोमर है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, समझ में आ रहा? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो ये जो अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान में रखना कि इनके स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है। तो मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि अगर आप फंक्शनल ग्रुप अच्छे से लर्न करेंगे, फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल, और तीसरा जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं मैं अभी, आज जो हम स्ट्रक्चर लेंगे ये आपके एकदम फ्लुएंटली लर्न होना चाहिए, मतलब आपको एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन के नाम के साथ साथ उनके स्ट्रक्चर को पढ़ते आना चाहिए। देखो स्ट्रक्चर पढ़ना मैं आपको आज सिखाऊंगा, चलो मैं आपको पढ़ के दिखा दूं। जैसे मैंने बोला एन ब्यूटेन CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ऐसा पढ़ते आना चाहिए। आइसो ब्यूटेन CH3 बॉन्ड सी वर बॉन्ड CH3 खाली बॉन्ड CH3 समोर बॉन्ड एच, आता है वर खाली समोर, हे वास्तवना लाया जाए कारण नहीं, क्योंकि आपकी फ्लुएंसी बहुत बढ़ना चाहिए इसके। अब किसी को वर खाली बोलने में दिक्कत जाता है तो CH3 बॉन्ड सी ऊपर बॉन्ड CH3 नीचे बॉन्ड CH3 आगे बॉन्ड एच, ऐसा पढ़ लो, पर स्ट्रक्चर पढ़ते आना चाहिए। आइसो ब्यूटेन एन ब्यूटेन, चलो मैं पहले एन ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो बच्चों बोर्ड पे ध्यान में रखना, पहला जो स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। कठिन प्रश्न की शुरुआत हो रही है, अब पहला कठिन प्रश्न है कि इसमें कार्बन कितने हैं? पास पास, चलो वेरी गुड शाबाश, अथर्व पटोले इस बार बिल्कुल हाथों, चार कार्बन चार है। दूसरा कठिन प्रश्न यह है कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 10, वेरी गुड शाबाश। तो क्या कार्बन चार और हाइड्रोजन 10, तो ये चार कार्बन और 10 हाइड्रोजन के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है? बोले सर ये रिश्ता कहलाता है डबल प्लस 2। अबे ब्यूटेन नहीं कहलाता है, ब्यूटेन तो उसका नाम है, मैं बोल रहा हूँ ये रिलेशन क्या है, कार्बन कितने 4 है, हाइड्रोजन 10 है, तो कार्बन जितने उसके डबल 8 और 2 मिलाए तो 10 बनता, तो ये अल्केन का फॉर्मूला हो गया।
अब वैसे आप समझदार है, आपको अच्छे से पता है कि C4H10 इट इज द फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है। तो क्या ये ब्यूटेन है? क्या ये ब्यूटेन है? वेरी गुड। तो ये जो ब्यूटेन है इसका नाम एन ब्यूटेन है, ये आपका एन ब्यूटेन है। अगर आपने एन ब्यूटेन ध्यान में रखे ना बेटा, तो सर इसको एन क्यों कहते हैं? एन इसलिए कहते हैं, एन का मतलब होता है नॉर्मल कार्बन चेन, यानी कि अनब्रांच कार्बन चेन, यानी कि आप पहले कार्बन से लेके आखिरी कार्बन तक के चले जाओ तो आपको कहीं पर भी ब्रांचिंग नहीं मिलेंगी, जैसे कि भाई 1 2 3 ऐसा, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेट चेन, अनब्रांच कार्बन चेन। सही आंसर दिया आपने अंजलि, स्ट्रेट चेन, उसको अनब्रांच कहते हैं। हालांकि स्ट्रेट मतलब अनब्रांच होगा ऐसा नहीं। अब एक बात बता दो, एक बात बताओ, ये क्या ये स्ट्रेट चेन है? ये स्ट्रेट चेन दिखने में नहीं है बराबर, पर ये अनब्रांच है। तो अनब्रांच, चलो कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बात बताओ, जब आप यहां से शुरू कर रहे हैं और अब यहां तक के पहुंच रहे, तो कई बार भी ऐसा हो रहा क्या कि कोई कार्बन साइड में छूट जा रहा? नहीं हो रहा ना ऐसा। जैसे इधर देख लो, ये 1 2 3 4 5 6, अब ये देखो ये ऊपर की चेन, देखो ना 1 2 3 यहां आने के बाद फिर 4 फिर 5, तो ये वाला खरमूरा छूट गया। अरे समझ में आ रहा है छूटना कैसे रहता? तो ऐसा अगर होता है तो इसको अनब्रांच कहते, ये इसको ब्रांच कहते और ये अनब्रांच है। तो स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट यानी कि सीधा भी चलता है, टेढ़ा भी चलता है, मेढ़ा भी चलता है, क्योंकि कुरकुरे टेढ़े रहते। अरे समझ, टेढ़ा मेढ़ा सब चलता, बट अनब्रांच और ब्रांच का कंसेप्ट समझो। ये अनब्रांच है, ये अनब्रांच है, ये ब्रांच है। तो अनब्रांच और ब्रांच समझ में आ रहा? तो जो अनब्रांच कार्बन चेन होती है उसको नॉर्मल चेन कहते, दैट इज एन डिनोटेड बाय एन। तो एन का मतलब समझ में आएगा, एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अनब्रांच कार्बन चेन। जैसे आप यहां से जा रहे 1 2 3, यहां आने के बाद आपको अगर नीचे गए तो फिर ऊपर नहीं आते आएगा। कारण ये है कि रिपीटेशन चेन पे अलाउड नहीं है। एक ट्रैक पर आपको एक ही बार चलना है, एक साइड से शुरू होते हुए दूसरे साइड को जब खत्म करना है तो एक ही बार चलते बैठना है। अगर आप बीच में डेविएट हो गए तो ब्रांच हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो ब्रांच नहीं होना चाहिए। तो ये कार्बन की ब्रांच चेन है, ये अनब्रांच चेन है। तो मैं ये कहना चाह रहा था ये एन ब्यूटेन है। वंस रिमेंबर द एन ब्यूटेन। एक बात बताओ, एन ब्यूटेन के बाद में कौन सा एल्केन आएगा? एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, एन नोनेन, एन डिकेन, एन एंडिकेन, एन डूडिकेन, एन सोन, एन आइकोसेन। तो आपको बस क्या करना है, यहां पर कहीं पर भी ये इन दोनों के बीच, यहां कहीं पर भी आपको एक एक CH2 बढ़ाते चलना है। तो मेरे ख्याल से आपको एन पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते आ जाएगा। अब एन पेंटेन में कार्बन कितने होते हैं? 5। अरे समझ में आ रहा, कार्बन 5, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाए? चलो वेरी गुड भाई, वो जो रस्सी का गुजर उसने तो स्ट्रक्चर बना भी दी, शाबाश। वेरी गुड बेटा रस्सी का, कि आपने CH3 CH2 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 CH3, शाबाश एन पेंटेन। इसमें एक CH2 बढ़ जाएगा। तो एक बार हमने एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ध्यान में रखे, तो एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। एक बात बताओ, एन हेक्सेन में, इधर बोर्ड पे ध्यान दो फास्ट, एन हेक्सेन में कितने कार्बन है? 6। तो एन ब्यूटेन में ऑलरेडी कितने कार्बन है? 4। तो आपको कितने CH2 बढ़ाना पड़ेंगे? 2। सिंपल, शाबाश युक्ता, खूब चंदा नहीं, उसको पहले से पता चल गया था मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा करके। वेरी गुड, बहुत ही फास्ट हो भी युक्ता। तो ये जो एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, एन नोरेन, समझ में आ रहा है? बनाते आएंगे। मैं स्ट्रक्चर की बात करूं डायरेक्टली, अरे कर लगा हो, चलो ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे एन ब्यूटेन, मैं अगला स्ट्रक्चर बताऊंगा। देखो अपन ने यहाँ पे एन ब्यूटेन का बनाया, तो एन ब्यूटेन से एन पेंटेन निपट गया। और जब आप आइसो ब्यूटेन का बनाना सीख लेंगे ना, तो इससे ये भी निपट जाता, ये भी निपट जाता, मतलब आपको पांचों स्ट्रक्चर लर्न हो गए। अरे समझ में आ रहा? अब मैं आपको आइसो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। देखो CH3 बॉन्ड C,
ऊपर बॉन्ड सी एस थ्री, नीचे बॉन्ड एच, आगे बॉन्ड सी एस थ्री, इसका नाम आइसोब्यूटेन है। सर ये आइसो किसे कहते हैं? बेटा आइसो कहते अगर लास्ट बट वन कार्बन को दो मिथिल ग्रुप अटैच हो तो उसको आइसो कहते हैं, है ना। लास्ट बट वन कार्बन को अगर दो मिथिल ग्रुप अटैच है तो उसको आइसो कहते हैं। ये आइसो का कंसेप्ट है, मरे तक के ध्यान में रखना खरमुरु। लास्ट सर लास्ट बट वन किसे कहते हैं? अरे मेरे बाप, लास्ट बट वन यानी देखो भाई, देखो इधर, ये पांच फिंगर है, हाँ पांच ही अपने पास में, ऋतिक रोशन के पास छह है, ये पांच है। तो ये यहां से शुरू कर रहे अपन ने, एक दो तीन चार पांच, तो ये लास्ट हुआ, ये भी लास्ट हुआ, तो लास्ट के पहले का लास्ट बट वन, इधर भी लास्ट के पहले का लास्ट बट वन। जैसे अगर मैं बोलता हूं 1 to 10 नंबर लो, तो 1 और 10 ये दोनों साइड से एंड पर आ रहे, ये लास्ट हुए, तो 2 नंबर और 9 नंबर ये शाबाश अंजलि, चलो ने समझदार है आप, वेरी गुड बेटा। तो 2 और 9 नंबर ये लास्ट बट वन। अगर 1 to 10 की बात करें, जब क्रिकेट की भाषा में देखते होंगे कि 1 to 6 छह बॉल होते हैं, तो ये पांचवा बॉल डालता है बॉलर, तो अंपायर बोलता है लास्ट बट वन बॉल। अरे समझ में आ रहा, लास्ट बट वन। तो इधर देख लो, यहाँ पे ये कार्बन लास्ट है, ये कार्बन लास्ट है। अगर ये चेन की बात करते हैं तो दोनों साइड से ये लास्ट बट वन हुआ, और ये लास्ट बट वन कार्बन को ये दो मिथिल ग्रुप इधर से या उधर से, दोनों साइड से दो मिथिल ग्रुप अटैच, तो उसको आइसो ग्रुप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आइसो। तो कंसेप्ट ऑफ आइसो समझ में आ गया सर? लास्ट बट वन कार्बन ला दोन मिथिल ग्रुप अटैच असतील तर त्याला, अरे इधर ध्यान दो, तर त्याला लास्ट बट वन म्हणतात। समझ में आया? चल वेरी गुड। अब ये आइसोब्यूटेन, मेरा कहना ये था आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर को आपको पढ़ते आना चाहिए। देखो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है बिल्कुल मासूमियत से पढ़ना, भाई सी एस थ्री बॉन्ड सी, वर बॉन्ड सी एस थ्री, खाली बॉन्ड एच, समोर बॉन्ड सी एस थ्री, और एक होता है कमीने पने से पढ़ना, मतलब कार्बन उसको तीन मिथिल और एक हाइड्रोजन, अब समझ लो कौन कहां पर करके। अरे समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर पढ़ना सीखो, स्ट्रक्चर पढ़ना सीखो आप, और इसमें शर्माने का काम नहीं है। कार्बन तीन मिथिल एक हाइड्रोजन, ऐसा पढ़ सकते, मतलब आपको आइसोब्यूटेन बोल दे तो पिक्चराइज होना चाहिए कि आइसोब्यूटेन कैसा रह सकता, कार्बन तीन मिथिल एक हाइड्रोजन। और आप सभी को पता है कि कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे तीन मिथिल ग्रुप। अब यहाँ बच्चे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता, सर हाइड्रोजन अपन ऊपर नहीं लगा सकते क्या? हाइड्रोजन अपन कोई भी कहीं भी लगा सकते। अरे समझ में आ रहा है? तो आइसोब्यूटेन समझ में आ गया। अब इसमें आइसोब्यूटेन से मैं आपको आइसो और नियोपेंटेन बनाना सिखाऊंगा। आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान में रखना। मैं फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, आइसो मतलब ब्यूटेन और पेंटेन में कितने कार्बन का फर्क है? शाबाश, वेरी गुड भाई, बहुत बच्चे फास्ट आंसर देने लगे, कठिन प्रश्न जल्दी जल्दी सॉल्व करने लग गए। तो ब्यूटेन और पेंटेन में एक कार्बन का फर्क है, वो एक कार्बन, जो एक कार्बन है वो एक कार्बन नहीं है, उसको सी एच टू कहते, इसका फर्क है, एक सी एच टू का फर्क। मतलब ब्यूटेन और हेक्सेन में कितने कार्बन का फर्क है? दो, तो दो सी, दो कार्बन नहीं, वो दो सी एच टू रहेंगे। अरे समझ में आ रहा है? अब वो लगाना कहाँ है, चिपकाना कहाँ है, ध्यान से, ये क्या ये आइसोब्यूटेन है? अगर आइसोब्यूटेन से आपको आइसोपेंटेन बनाना हो तो आपको यहां पर या एक तो यहां पर या तो यहां पर या तो यहां पर कहीं पर भी एक सी एच टू बढ़ाना पड़ेगा, पोजिशन ध्यान में रखना। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं यहाँ बढ़ाता हूँ यहाँ पर एक सी एच टू। तो चलो देखो, मैं हाथों हाथ इसका स्ट्रक्चर समझा के दे रहा हूँ, चलो देखो, चलो पढ़ो रे घर मोरो, सी एच थ्री बॉन्ड सी, वर बॉन्ड सी एच थ्री, खाली बॉन्ड एच, समोर बॉन्ड सी एच टू, बॉन्ड सी एच थ्री, ये हो गया आइसोपेंटेन।
सुपरिटेंडेंट काम करेंगे, हम देखेंगे लास्ट कार्बन कौन सा है, चेक कर लो ये लास्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में लास्ट लास्ट है, तो ये लास्ट बट वन कार्बन है कि नहीं, फिर और इधर से ये लास्ट बट वन है, लास्ट दोनों साइड से रहते हैं तो लास्ट बट वन भी दोनों साइड से रहेंगे, तो दोनों साइड के लास्ट बट वन में से किसी एक साइड के लास्ट बट वन को दो मिथिल ग्रुप या दो एक जैसे ग्रुप अटैच होना चाहिए। अब जो ये लास्ट बट वन है, क्या ये कार्बन लास्ट बट वन है, और चेक कर लो इसको ये दो मिथिल ग्रुप अटैच है कि नहीं, तो दिस लास्ट बट वन ग्रुप टू मिथिल ग्रुप आर अटैच, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आयसो। अरे आयसो समझ में आया, तो आयसो पेंटेन। अब सर बात चलिए नियो पेंटेन की, अब एक आधा बच्चा बोलता बोले सर ये नियो जो है वो ये जियो का भाई है क्या, बोले तो ये नियो और जियो दूर दूर तक के कोई रिश्तेदार नहीं है, नियो और जियो ये दोनों भी अलग है, ठीक है, तो नियो अंबानी, जियो अंबानी का है और नियो केमिस्ट्री का है। अरे समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, तो भाई इधर देखो सर नियो कैसे जानना होगा, मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, नियो पेंटेन बेसिकली क्या है, पेंटेन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, पेंटेन, पेंटेन में कार्बन कितने होते हैं, पांच होते हैं, इसमें कार्बन कितने, चार है, आपको एक सी एच टू बढ़ाना पड़ेगा, वो एक सी एच टू कहाँ बढ़ेगा ध्यान में रखना, वो यहाँ बढ़ेगा, यहाँ अगर आपने यहाँ पे सी एच टू बढ़ाए यहाँ पर, अब मैं फिर से कठिन प्रश्न लेकर आया हूं, हाइड्रोजन और सी एच टू मिला के क्या बन जाएगा, कौन देता भाई आंसर सबसे पहले, शाबाश प्रज्वल ने रसी, प्रज्वल गुंजन वेरी गुड शाबाश सी एस थ्री वेरी गुड अलीजा साध सानिका युक्तम, बस ठीक बड़ा चुप हो जाओ, बड़ा वैष्णवी चिरे सुहाना सूर्य सी एच थ्री है ना, तो जो सी एस थ्री यहाँ हो जाएगा तो जो कंपाउंड बन जाए, अब ये कंपाउंड देखना रहे सी एच थ्री बॉन्ड सी ऊपर बॉन्ड सी एस थ्री नीचे बॉन्ड सी एस थ्री आगे बॉन्ड सी एस थ्री, ये समझ में आया, दिस इज नियो पेंटेन, दिस इज आइसो पेंटेन। अब मैं देखो आइसो पेंटेन के बाद आइसो एक्सेन, तो आपको यहाँ एक और सी एस टू बढ़ाना पड़ेगा, तो इमीडिएटली आइसो एक्सेन बन जाएगा, आइसो हेप्टेन यहाँ पर एक और सी एस टू बढ़ाना पड़ेगा, आइसो ऑक्टेन एक और सी एस पढ़ाना पड़ेगा। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है ये, चलो मेरे साथ एक बार आप देखेंगे, आपको आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या आइसो ऑक्टेन में कार्बन आठ है, आठ है, इसमें कार्बन कितने चार है, तो आपको यहां पर चार सी एस टू बढ़ाना पड़ेंगे, बाकी जैसा तस हाँ बाकी जस था तस, मतलब सी एच थ्री बॉन्ड सी ऊपर बॉन्ड सी एच थ्री नीचे बॉन्ड एच आगे बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच थ्री, दिस इज आइसो ऑक्टेन। अरे समझ में आ रहा है ये, दिस इज आइसो ऑक्टेन, तो ये इस तरह से आपको बनाना है, आप सभी स्ट्रक्चर बना सकते। सर हमको करना क्या, मुझे ऐसा लगता है आपने दो स्ट्रक्चर लर्न करना चाहिए, पहला स्ट्रक्चर एन ब्यूटेन, तो अब एन पेंटेन एन एक्सेन एन हेप्टेन एन ऑक्टेन कितने सी एच टू बढ़ाना है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर आइसो ब्यूटेन, तो आप आइसो ब्यूटेन से आइसो पेंटेन बना सकते, यहां पर सी एच टू बढ़ा के और वो सी एच टू यहां डाल दे तो नियो पेंटेन, नियो पेंटेन में क्या समझाना है, अश्लेषा यादव का क्वेश्चन, नियो पेंटेन तो सबसे आसान है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, अश्लेषा यादव आई एम आस्किंग टू यू अश्लेषा यादव कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, ये आंसर सिर्फ अश्लेषा यादव देना है। अरे अलीजा बाजी थोड़ा चुप बैठो जरा, अश्लेषा यादव कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, अरे भाई जिसको पूछा वो छोड़ के बाकी सब लोग आंसर दे रहे, अश्लेषा यादव हाजिर हो, अरे अश्लेषा यादव कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, आपको ने हाजिर हो बोला यस सर, अरे कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं भाई,
अगेन अश्लेषा जादो हाजिर हो। अरे वाह, अश्लेषा जादो का आंसर है कार्बन इनफाइनाइट बॉन्ड बनाता है। ये सुनते बराबर कार्बन आत्महत्या कर लेंगे। कार्बन इनफाइनाइट बॉन्ड बनाता है, उसको कैटेनेशन कहते हैं। बेटा मैं एक कार्बन की बात कर रहा, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को जोड़ सकते हैं। इसका आंसर था कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड। अरे समझ में आ रहा है ये चार बॉन्ड? तो चारों साइड से अगर मिथिल ग्रुप हो तो उसको नियोपेंटेन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नियोपेंटेन। इतना सिंपल है नियोपेंटेन। अरे समझ में आया नियोपेंटेन? फिर कितने देर लेक्चर बच्चे, दैट इज नियोपेंटेन। तो ये नियोपेंटेन है, क्लियर कर लो। तो दिस इज नियोपेंटेन। एक बार आपने नियोपेंटेन बना लिया तो अब नियो हेक्सेन, नियो हेप्टेन, नियो ऑक्टेन, नियो नोनेन, नियो डीकेन सब बना सकते। आपको यहां पर एक CH2 बढ़ाते चलना है। सारा खेल अगले मेंबर का CH2 की लास्ट पर से होके गुजरता। यदि श्री केडिया का क्वेश्चन है, इट इज कंपल्सरी टू एड CH2 इज ओनली इन वन ब्रांच और वी कैन एड इन एनी ब्रांच, किसी ब्रांच में एड कर सकते हैं आप CH2। यहाँ ऐड करना, यहाँ ऐड करना, यहाँ ऐड करना, यहाँ कर सकते। अभी आपको नियो पेंटेन के बाद नियो हेक्सेन पूछा गया, पर जनरली क्या होता है CH2 कंटिन्यू ऐड करते हैं। नियो हेक्सेन में यहाँ पर CH2 एक ऐड करना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी पांच है। नियो हेप्टेन में दो, ऑलरेडी पांच कार्बन है तो दो CH2। अब वो दो CH2 आप यहाँ ऐड करो या यहाँ ऐड करो, पर मेरा सजेशन ये एक ही डायरेक्शन में ऐड करो तो बेटर है। अरे समझ में आ रहा है सर? इसमें नियो का मतलब क्या होता है? नियो का मतलब होता है क्वार्टरनरी, यानी इस कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन तो है कि जिसके चारों बॉन्ड कार्बन के साथ है। उड़खा पाओ कौन? ये बीच वाला कार्बन। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो उसको नियो कहते, दैट इज कॉल्ड नियो। तो मेरे ख्याल से आपको आज हमने कौन कौन से पांच कंपाउंड देखे, एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। समझ में आया? अब मैं आपको अल्कीन के तीन आइसोमर बताऊंगा। अल्कीन बड़ा ध्यान से करना। पहले एक बात बताओ, अब अगर मैंने आपको लगा नियो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाओ, नियो ऑक्टेन, तो एक बात ध्यान, नियो ऑक्टेन मतलब कार्बन। इतना टाइम, आठ, शाबाश शाबाश, अक्सर खान ने कार्बन आठ आठ। इसमें कितने कार्बन है? पांच, शाबाश गुंजन, पांच। अब आठ और पांच में कितना डिफरेंस है? तीन, वेरी गुड। तो तीन CH2 आपको यहां पढ़ा रहे हैं, CH3 बॉन्ड, सी वर बॉन्ड, CH3 खाली बॉन्ड, CH3 दस तस, फिर बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 एंड देन बॉन्ड CH3, सिंपल। तो मेरे ख्याल से आपको स्ट्रक्चर बना देंगे फिर भी, मतलब सिर्फ दो स्ट्रक्चर पर पूरा। खैर सर, नियो ब्यूटेन नहीं होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि नियो ब्यूटेन के लिए, देखो नियो के लिए एक कार्बन ऐसा चाहिए जिसको चार कार्बन अटैच हो। तो भाई चार अटैच है, अनेक उनका सेंटर में, तो कितने हो गए? पांच। इतना टाइम लगता है शेलो ने सोचने के लिए, चार और एक पांच, बोले सर मैं गिन के बता रही हूँ पांच हो रही। तो चार और एक पांच, पांच कार्बन हो गए। तो पांच कार्बन मिनिमम होना चाहिए नियो अल्केन के लिए। अरे समझ में आया? चलो ठीक है, अब इसके बाद हम ये एक असाइनमेंट ये है, एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, देन आइसो ब्यूटेन ये इधर बताया, फिर आइसो पेंटेन और फिर नियो पेंटेन। अब बताओ ब्यूटेन के कितने आइसो मरे भाई? दो, एन ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन। पेंटेन के कितने आइसो मरे? तीन, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। और इसके साथ साथ आपको रिमेनिंग अल्केन के
हेक्सेन के 6 है, हेप्टेन के 7-9 है, बहुत ऐसे अलग अलग अलग, डीकेन के 75 आइसोमर, 75, पर उसका काम नहीं है आपको कर ला, बस दो के काम है, ये दो तो संभालो सही तरीके से पहले, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, अल्कीन। दो अल्कीन में एक ही अल्कीन काम का है, दैट इज C4H8, इसका नाम ब्यूटीन है और ब्यूटीन के 3 आइसोमर है, 1-2 आइसोमर। सर ये वन क्या है, वन के आगे ब्यूटीन कौन पढ़ेगा, अब्बा पढ़ेंगे, वन के आगे ब्यूटीन पढ़ना मतलब वन ब्यूटीन, मतलब मैंने बोला वन, तो इसके आगे पढ़ना है 1-butene-2-butene आइसोब्यूटीन। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने वहां पे सिर्फ बी लिखा और ब्यूटीन नहीं लिखा, तो मेरे लिखना जान पे आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, ऐसे सही समझा करो, ठीक है। हकीकत में बहुत जान पे आते हैं, लिखना 1-butene-2-butene और आइसोब्यूटीन। सर वो सीज ब्यूटीन, बेटा साले वो जो सीज और ट्रांस है वो हम आपको 2-butene के अंदर समझा के दे, वो जो 2-butene है ना, देखो ब्यूटीन आपने पहले हाइड्रोकार्बन में सिर्फ ब्यूटीन सुना था बराबर, अरे कुछ तो बोलो, ब्यूटीन सुना था, तो ब्यूटीन के 3 बच्चे हैं, 1-butene-2-butene आइसोब्यूटीन बराबर, उसमें जो 2-butene है उसके और 2 बच्चे हुए, सिस 2-butene ट्रांस 2-butene, तो इस हिसाब से सिस 2-butene और ट्रांस 2-butene ये ब्यूटीन के कौन हुए, पोता पोती हुए। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, चलो ठीक है। तो ये जो 2-butene है ना इसके और 2 पार्ट है, सिस 2-butene, बोले सर एक मिनट, मैंने ना सीज और ट्रांस ये कहीं तो भी सुना, अबे कहीं तो भी नहीं, मैंने आज ही बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर था सीज और ट्रांस, नवासा नवासी, सुहाना सुरेटा ने आंसर दिए, चलो ठीक है, वही ग्रैंड चिल्ड्रन, नवासा नवासी, पोता पोती, खरमुरे, अरे समझ में आ रहा क्या ये, तो भाई ये जो सीज और ट्रांस 2-butene है, तो अब एक बात बताओ, ब्यूटीन के 3 आइसोमर है, काश आप लोग सब सामने रहते तो अपन ये जो पढ़ रहे हैं आप क्लास में लर्न कर लेते थे, तो ब्यूटीन के 3 आइसोमर है, मैं आपसे रिकॉल करवा के लर्न कर लेता था, ब्यूटीन के 3 आइसोमर है। सानिका पांडव आर यू कंफर्टेबल, नहीं आज जरा बीमार दिख रहे हैं आप, हाँ बेटा नाश्ता वाश्ता करके बैठे करो बैच के अंदर, और वैसे भी आज रमजान का आखिरी रोजा है, कल से ईद शुरू हो रही है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर कल अपनी बैच रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो गरीबों आपको कल छुट्टी रहेंगी, ठीक है खुश, तो मुझे लगता है अगर आपकी कल छुट्टी रहेंगी तो युक्ता खूब चिंता नहीं करें, सर बैच लीजिए, मेरी इच्छा बैच लेने की है, यहाँ हम देखेंगे, मुझे लगता है कि बैच होना चाहिए, हम बैच लेंगे, लेना है कि बैच, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छे बच्चे हैं कि जो मतलब ज्यादातर बच्चों का रिप्लाई बैच लेने का है, तो ठीक है ना बैच ले लेंगे, फिर उसमें एक काम करेंगे हम, क्या रमजान ईद है कल, उस वजह से जिन बच्चों का, वैसे आपकी बैच 12 के बाद है ना, और लॉकडाउन तो और बढ़ गया अभी, तो वैसे बच्चे जो है ईद के दिन भी मतलब मुझे लगता है कि शायद नमाज वगैरह घर पर ही पढ़ेंगे, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, वैसे भी है तो भाई नमाज घर पर पढ़े, मस्जिद पढ़े तो 12 से पहले नहीं पढ़ जाता, और रमजान ईद के दिन जो हम एक दूसरे के यहाँ जाते शुरुखुरमा पीते खाते घूमते, वैसा करना मत, नहीं तो ईदी के साथ साथ डंडे बढ़ेंगे बाहर, फिर समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अपने बैच ले सकते, समझो अपन मतलब लेना है बैच, फिर चलो डन बैच लेंगे, फिर वेरी गुड शाबाश, अच्छा लगा मुझे कि अपने जो नए बैच के खरमुर है ये पढ़ाई के अंदर सीरियस है, तो मतलब बैच लेंगे अपन, ठीक है चलो इधर बोर्ड पे ध्यान दो, 1-butene-2-butene और आइसोब्यूटीन। तो मैं आज आपको ये होमवर्क मैं जो दे रहा हूँ ये थोड़ा सा आपको लर्न करना है। एक बात बताओ, ब्यूटीन के अंदर डबल बॉन्ड रहता,
अल्किन खानदान के हर बच्चे में डबल बॉन्ड रहता। डबल बॉन्ड कितना रहता? एक रहता, एक एक बार डबल बॉन्ड रहता। सर डबल बॉन्ड दो बार रहा तो उसको डाइन कहते, डबल बॉन्ड तीन बार रहा तो उसको ट्राइन कहते, है ना। अभी हम देखेंगे ब्यूटीन में, तो मैं ब्यूटीन के जो तीन आइसोमर बना के दिखा रहा हूं, ये आपका असाइनमेंट है कि आपको 10 बार घर से लिख के लाना है। मतलब आपको तो एन ब्यूटेन 10 बार, आइसो ब्यूटेन 10 बार, एन पेंटेन 10 बार, आइसो पेंटेन 10 बार, नियो पेंटेन 10 बार, और वन ब्यूटीन, है ना। बेंजीन ट्राइन नहीं है, बेंजीन एक अलग कैटेगरी का कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्ड तीन बार आते हैं, बट वो अलग कैटेगरी में आता है, मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। चलो पढ़ो, सब बच्चे पढ़ो, इसको पढ़ो, इधर इधर देख के पढ़ो। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पढ़ना ऐसा। हाँ, और ये बीच के बॉन्ड को बॉन्ड पढ़ना है। बोले CH3 माइनस CH2 माइनस, नहीं रे खरमुरे वो धुआं कन पट्टी, अबे वो बॉन्ड है बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज वन ब्यूटीन टू ब्यूटीन CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, इट इज टू ब्यूटीन। अब यहां पर ध्यान में रखना कि वन ब्यूटीन के अंदर डबल बॉन्ड आखिरी में है, टू ब्यूटीन में डबल बॉन्ड बीच में है। मैं समझाऊंगा वन ब्यूटीन टू ब्यूटीन क्यों आया करके। लास्ट वाला कंपाउंड CH3 CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3 नीचे और आगे डबल बॉन्ड CH2, चेक कर लो। CH3 बॉन्ड C, वर बॉन्ड CH3, समो डबल बॉन्ड CH2, ऐसा पढ़ सकते हैं। CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, आगे डबल बॉन्ड CH2, ये आइसोब्यूटेन। एक बात बताओ, इन तीनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला चेक करना, कार्बन 4 हाइड्रोजन 8, कार्बन 4 हाइड्रोजन 8, चेक करो ना, 1 2 3 कार्बन 4, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर है। अब ये इनके बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये हम देखेंगे 18 मई के बाद, जब डिटेल में आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, आपको इन सब के बीच के रिलेशन का आंसर मिलेगा आइसोमेरिज्म में, जो मैंने आपको आते और बताया। तो आज मैंने आपको चार्ट बताया, वो आपको 10 बार निकालना है, होमवर्क समझ लो, बहुत देर से एंजॉय कर रहे हैं आप। पहला चार्ट ये है कि पहला होमवर्क ये है कि ये पूरा चार्ट आपको 10 बार निकालना है, पहला होमवर्क, समझ में आया, लर्न करना है। दूसरा होमवर्क, एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर 10 बार। सर वो कैसे लिखना, मैं बताता, ये ऐसा लिखना, उसके नीचे नाम लिखना एन ब्यूटेन, ऐसा होगा एक बार, और फिर ऐसा 10 बार लिखना, समझ गया, वेरी गुड। देन ये आइसो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर 10 बार, ये मैंने फिर से बना के दिखाया बाजू में, ये एन आइसोपेंटेन न्यू, सर वो सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन, ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखेंगे, समझ में आया, चलो ठीक है। देन ये वन ब्यूटीन टू ब्यूटीन आइसोब्यूटीन, पहले लिख दो इसके नीचे नाम, ये वन ब्यूटीन टू ब्यूटीन आइसोब्यूटीन, चेक कर लो। तो अब हम देखेंगे, बहुत दिन से आपसे बातचीत नहीं हुई, तो यानी डाउट्स और डिफिकल्टीज आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और मैं आज बैठूंगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आज आराम करना चाहिए।
चलो शुरू हो जाओ गरीबो, एक एक का कहानी रोना गाना सुनना शुरू करते हैं, शिकवे शिकायत शुरू करते हैं। अथर पाटोले, सर डिफरेंस डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली तो सर उनका नेचर बदलेगा क्या? डबल बॉन्ड की पोजीशन से उस कंपाउंड का नाम बदल जाता, क्योंकि डबल बॉन्ड के पोजीशन पे नाम रहता। तो सर उनका नेचर बदलेगा क्या मतलब? हाँ 100% बदलेगा, ओके सर। बदलेगा। जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, डबल बॉन्ड जिधर से उधर से नंबरिंग करना है, तो हमने नंबरिंग करे वन, डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा नंबरिंग उधर से करना है, वन टू थ्री फोर, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड उधर से पास पड़ रहा था। ओके सर। अब डबल बॉन्ड जो दो कार्बन ने बना है उनका नंबर क्या है, नंबर वन और नंबर टू, तो इसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, वन तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वन ब्यूटीन। अब जो ये डबल बॉन्ड बीच में है, आप नंबरिंग उधर से करो या नंबरिंग इधर से करो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तीन बीच में है, तो हम नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर, और नंबरिंग उधर से भी करते तो वन टू थ्री फोर, तो डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन ने बना है उनका नंबर कौन सा है, टू टू एंड थ्री है, ये दो टू एंड कार्बन है थ्री जीरो नंबर, तो टू एंड थ्री में जो मिनिमम नंबर रहेगा दैट इज टू, दैट्स व्हाट इज टू ब्यूटीन। समझ में आ रहा है? यस सर। अब मैंने इसका कॉमन नेम बताया, इसका आईयूपीएसी नेम कल बताऊंगा। यस तो ठीक है, तो समझ में आया, वन ब्यूटीन टू ब्यूटीन ऐसे ब्यूटीन। सर। अथर पाटोले आपका, मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि मुझे कल मैंने कमेंट देखा गूगल पर जो आपको लिंक दी गई थी, तो अथर की कमेंट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, और भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करे, जो बच्चों ने अपने और 5 स्टार रैंकिंग भी दिया अपने, थैंक यू वेरी मच अथर। आपको आज यस वो अपने नितिन सर इनको अपने गूगल की लिंक डाल दो, आ जाओ। देखो हम आपको गूगल की लिंक और भेज देंगे, मैं चाहता हूँ कि आपने अब तक के जो बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर अटेंड करे, बट कुछ ही बच्चों ने ना गूगल पे जाके अपना मतलब रिव्यूज दिए और स्टार रेटिंग दिए, तो मैंने आपको इसके पहली बात, अपन गरीब लोग है, 5 स्टार में काम चल जाता अपना, अपनों यस 6 7 8 9 10 नहीं चाहिए। तो कमेंट्स और रिव्यूज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं आपके गूगल पे जाके देने के, तो अथर आपने बहुत अच्छा रिव्यूज दिए, थैंक यू वेरी मच, आई लाइक इट। और जो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो भी 15 20 दिन यहाँ पे पढ़ने का जो एक्सपीरियंस आया उसके वजह से, या अपने फ्री बैच आप सभी के लिए लिए, या आपके ये बैच में ऑलरेडी बहुत दिनों तक के मतलब अपने ऐप पे फ्री में रहने देने वाला हूँ, कि कोई भी स्टूडेंट इस बैच को देख सकता है बेसिक करने के लिए, भले वो कोई भी कोचिंग क्लास लगाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप कोई भी कोचिंग क्लास लगाएंगे तो आपको केमिस्ट्री के अंदर अपने क्लास की याद 100% आएंगे। और अभी मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाया नहीं, अभी अपन सिर्फ बेसिक बेसिक ही पढ़ रहे हैं, अपन प्लेट 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 कर रहे हैं, बेटा जब चौके छक्के लगने शुरू होंगे ना तब आएगा असली मजा गेम के अंदर। यस सर। अंजलि सेलोने का भाई प्रभात सेलोने, वो बैच अटेंड करता है मेरे ख्याल से, अंजलि भी लेक्चर देखती, कभी बाजू में बैठ के क्या पढ़ा रहे इनको, कर मुझे पता है अंजलि लेक्चर देखती करके, ठीक है, तो उधर की लेवल और इधर की लेवल में बहुत फर्क है कि नहीं अंजलि? ये हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, और बहुत डिफिकल्ट होता है बेसिक से बच्चों को समझाते लेके जाना, क्योंकि एक कोरा कागज को शुरुआत में लिखना बहुत डिफिकल्ट काम है। और वही कोने कोर अलीसा, अलीसा शेख, हाँ हेलो सर। बोलो बेटा, हेलो। सर आइसोमेरिज्म की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहती क्या? क्या बेटा? बिल्कुल आइसोमेरिज्म की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहती? रहते हैं, आइसोमेरिज्म की फिजिकल केमिकल जैसे सिस टू ब्यूटीन है, ट्रांस टू ब्यूटीन है, तो इन दोनों के प्रॉपर्टी में भी चेंजेस रहते हैं, तो सर वो सेम रहती है या डिफरेंट? डिफरेंट रहते हैं। डिफरेंट रहती। आपका स्कूल कौन सा था? लिटिल स्टार कॉन्वेंट। लिटिल स्टार कॉन्वेंट। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? अच्छा यस सर। वेरी गुड। और अच्छे हैं आप, हाँ सर। थैंक आपको और बाकी सब बच्चों का हैप्पी ईद यू सर। मुबारक। सेम टू यू। ये सैनिका पांडो ने क्वेश्चन पूछे मुझे, क्या राज थोड़ा सैनिका आप मुझे मैसेज में बोल दो कि आपको क्या मैसेज भेजे सर ने करके। हाँ और कोई क्वेश्चन? सर आप किसी को बात नहीं करना है, देखो आज हम आपको वापस से गूगल की लिंक भेजेंगे, और मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने अपने रिव्यूज नहीं दिए, शेलो ने अब तक आपका रिव्यूज नहीं आया लगता उसके ऊपर,
ना इंग्लिश तो बहुत अच्छी है तेरी, फिर भी तू रिव्यूज देने में मतलब घबरा रही है वहां पे रिव्यूज लिखने के लिए, ठीक है। तो और अथर ने बहुत अच्छे लैंग्वेज के अंदर भी लिखे हुए, वैष्णवी शिरे फ्लो चार्ट चाहिए आपको है ना, और हमको रिव्यू चाहिए आप सब बच्चों के गूगल पे लिंक के ऊपर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आज सब बच्चे जो है जैसे युक्ता खूब चंदा है ना, देन अपना गुंजन वाधवानी है ना, सानिका पांडव, ऐसे बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज उसके अंदर बाकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस पर आप अपने तरीके से अच्छे से रिव्यूज दिए। हाँ वैष्णवी श्री रिव्यूज दिए आपने, दिए हमें चेक कराओ शायद, और बाकी के जो स्टूडेंट्स है वो भी दे, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी वो वीडियो अगर देखते हैं। देखो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ रिव्यूज क्या देना है करके, स्टार रेटिंग तो अपने 5 बोली हुई है, बट मैं ये नहीं कहना चाह रहा आपको लिखना क्या है, आप रियली आपको जो एक्सपीरियंस आया क्लास का मन से है ना, इतने दिन से आपकी पढ़ाई बंद थी, 20-25 दिन से अपन ने एफर्ट्स लिए, 18 तारीख से अपन क्लास शुरू कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, 18 तारीख से जब आप बैच ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी का स्टडी मटेरियल आपको क्लास की तरफ से ऐप पे मिलेंगे, आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, नॉट अ सिंगल बुक आपको परचेस करना है, बहुत सारे पैसे बचाऊंगा मैं आपके, और इसके लिए आपसे दुआ लूंगा बस, और जो मटेरियल मैं दूंगा उसी को पढ़ना है पूरा, नीट और जेई का पेपर उसी में से आएगा बेटा, समझ में रखना चाहिए। अभी अभी हमने आपको एग्जाम्पलर दिए उसके अंदर सॉल्व करके, तो अभी 18 तारीख से आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, कर लो। हाँ वो आपको मिलेगा 18 तारीख के बाद में जब आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इनको सर एक गूगल की लिंक भेज दिए अपन ने, तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप से व्हाट्सएप पर आपको गूगल की लिंक आएगी, उसको क्लिक करके आप वहां पे चले जाइए, फिर आपके रिव्यूज और स्टार रेटिंग दीजिए। और मैं चाहता हूँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो लेक्चर देख रहा हूँ, चाहे वो अब कुछ बच्चे ऐसे जो लाइव लेक्चर नहीं देखते रमजान की वजह से, वो ऐप पे बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखते, तो रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर ही मेरा सेंटेंस रहेगा कि आपको रिव्यूज देना है, ठीक है। रिव्यूज देना है मतलब मुझे अच्छा लगेगा, और मैं पढ़ता हूँ बाद में बच्चों के रिव्यूज, और जिन जिन बच्चों के अच्छे रिव्यूज आएंगे मैं उनका नाम भी लूंगा वक्त में जाने से पहले, आपके बैच में खत्म होने से पहले, कि मुझे इन बच्चों के रिव्यूज अच्छे लगे थे करके, ठीक है। जैसे अथर्व का मैंने नाम लिया कि नहीं आज क्लास के अंदर, वैष्णवी शरीर का भी रिव्यूज आया था, और कुछ बच्चों के रिव्यूज थे उसके अंदर, मैं बाकी कल बताऊंगा, आज के लिए इतना काफी है। आई होप सो कि आप अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, और ये वैष्णवी शरीर को भाई ये चार्ट चाहिए तो देखो ये देख ले, ये वैष्णवी आत्मा इस पर अटक जाएंगे नहीं तो तेरी। ठीक है चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, मुझे पता है इसलिए फिर बाद में आराम से ड्रॉ करते बैठेंगे। ओके तो आज के लिए इतना काफी, रिमेनिंग टॉपिक विल कंटिन्यू बट टुमारो, टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।